सीएम योगी आदित्यनाथ आज फुल एक्शन में थे। पूरे दिन उनका फोकस पश्चिमी यूपी पर रहा। पहले वो कैराना पहुंचे, पलायन के बाद लौटे हिंदू परिवारों से मुलाकात की, दंगाइयों अपराधियों को कड़ा संदेश भी दिया। उसके बाद योगी एक और मुस्लिम बहुल इलाके रामपुर गए। रामपुर को समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और इस वक्त जेल में बंद आजम खां का गढ़ कहा जाता है। और सीएम योगी ने रामपुर में कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया, लोकार्पण किया, फिर रैली में बिना नाम लिए आजम खां पर जोरदार अटैक बोला। आजम खां को इशारों में भू माफिया बता दिया। अरे पर्व और त्योहार भाइयों बहनों इसी विरासत के हिस्से हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है। उन लोगों ने इस रामपुर की विरासत को भी नष्ट करने का षड्यंत्र किया था और इसीलिए हम लोग बार बार आए थे ये कहने के लिए कि रामपुर की विरासत को भी छोड़ने रखेंगे, लेकिन किसी भूमाफिया को सत्ता के संरक्षण में रहकर के गरीबों दलितों वंचितों व्यापारियों की संपत्ति पर भी कब्जा नहीं करने देंगे। रामपुर से पहले योगी कैराना में थे, जहां उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र किया और दंगाइयों और अपराधियों को चेतावनी भी दी। योगी ने कहा कि मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो या फिर कैराना का पलायन, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि प्रदेश और देश की आन बान और शान पर आने वाली आंच का मुद्दा रहा है। अब इस बयान को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने योगी पर बड़ा हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर योगी की मानसिकता यूपी के लोगों के सामने खुलकर आ गई है। मुजफ्फरनगर का दंगा देश के लिए आन बान शान, ये मुख्यमंत्री कहते हैं। बड़ी ही अफसोस की बात है कि भारत के विभाजन के बाद अगर 50,000 लोग अपने घर से बेघर हुए तो मुजफ्फरनगर कांड के बाद हुए, और ये मुख्यमंत्री उसको आन बान शान से जोड़ता है। इसमें कई लोगों का मर्डर हुआ, कई हज़ारों की तादाद में लोगों के घर जल गए, खेतें जल गई, इनको इंसाफ की बात नहीं कर रहे हैं, वो दंगे को आन बान शान से जोड़ रहे हैं। और ये खुद केसेस विड्रॉ किए हैं, 77 केसेस मुजफ्फरनगर के। ये इनकी मानसिकता है, ये इनकी जहनियत है जो ये आज उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। आज पंजाब की सियासत से सिद्धू ने फिर ब्रेकिंग न्यूज दी है। सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, अपनी ही पार्टी की सरकार की फजीहत कर डाली। प्रदेश अध्यक्ष होते हुए सिद्धू लगातार बोले जा रहे हैं, लेकिन सीएम रहते हुए भी चन्नी एकदम चुप है। क्या ये कैट फाइट पंजाब में कांग्रेस का बड़ा नुकसान करने वाली है? आखिर नवजोत सिंह सिद्धू चाहते क्या है? कैप्टन को निपटाने के बाद भी सिद्धू लगातार अटैकिंग क्यों है? देखिए ये रिपोर्ट और समझने की कोशिश करिए। सिर पर चुनाव है, कांग्रेस में तनाव है, सिद्धू के दिल में कोई तो घाव है। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा तो वापस ले लिया, मगर अपनी ही प्रदेश सरकार पर उनके हमले रुक नहीं रहे। ये हमले वो डीजीपी और एडवोकेट जनरल के नाम पर कर रहे हैं, मगर उनके निशाने पर सीधे मुख्यमंत्री चन्नी नजर आते हैं। सिद्धू पंथक पॉलिटिक्स को बादल परिवार से छीनकर कांग्रेस का सरमाया बनाना चाहते हैं। ग्रंथ साहिब की बेअदबी उसका सबसे बड़ा मुद्दा है। सोमवार को एक बार फिर सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर हमला बोला। सिद्धू ने कहा एक ने आरोपी पुलिस वाले को ब्लैंकेट बेल दिलाई तो दूसरे ने बादल परिवार को केस से बचाया, सरकार ने इन दोनों को क्यों अपने साथ लगाया? एक ने क्लीन चिट देती है ते दूजा ब्लैंकेट बेल देई फिरदा, ते इन्वेस्टिगेशन पूरी करके दिखाओ उहदे बिना। मैं कहा सी ओही कड़ी है, जो मर्जी बोली जो बाकी। जदों विरोध भी होंदे सी, जदों 40 विधायक भी खड़ते सी, वो की कहंदे सी भी सुमेर सैनी दे घरे डांगा मार के आ गए, कौन कहंदा सी पुछो। तो हुण की हो गया? उदों भी सवाल करता सी सिद्धू गुरु खातर, उदों भी कहंदा सी सिद्धू
भी गुरु का लड़ नहीं छड़ू, भावें एम पी गिरी होवे, भावें मिनिस्ट्रियां होन, भावें बठिंडे च खड़ के स्टेज के उत्ते पुछया होवे, भावें महकमे बदले गए होन, कोई समझौता नहीं सी सिद्धू का, उदों भी करता सी। ते जदों दो तीन महीने पहला हर पासों सुगबुगाहट हुई सी, विरोध होया सी, इन्हां दो मुद्दे ते ही होया सी, इन्हां दो मुद्दे दे उत्ते ही होया सी। सिद्धू चन्नी सरकार पर हमलों के दौरान विपक्ष के नेता नजर आ रहे थे। उन्होंने सवाल उठाया कि हाईकोर्ट का डायरेक्शन था 6 महीने में बेअदबी मामले में चार्जशीट दाखिल हो, 2 केसेस और 2 FIR हैं, मगर 6 महीने 1 दिन बाद भी चार्जशीट नदारद है। सिद्धू ने नाम लिए बगैर आरोप लगाया कि जिन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, जिनके खिलाफ केस होना चाहिए, सरकार उनके लिए ढाल बनकर खड़ी है। After 6 months of what the court said, preferentially 6 months, right? I have raised this issue again on a different note. And again the glitch is your appointees. ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸੀ? ਇਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਇਹ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਜੇ ਲੁਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੱਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਆਸਕ ਫੋਰ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਿਟੀ। ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸੋਚਣੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। सिद्धू के इन्हीं आरोपों के चलते पंजाब के अटॉर्नी जनरल APS देओल ने इस्तीफा तक पेश कर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि नवजोत सिंह सिद्धू सरकारी कामकाज के साथ साथ AG ऑफिस के काम में भी बाधा पहुंचा रहे हैं, राजनीतिक लाभ के लिए लोगों के बीच गलत फहमी फैला रहे हैं, सरकार पर ड्रग्स केस और अन्य मामलों में बार बार बयानबाजी का नकारात्मक असर हो रहा है, आने वाले विधानसभा चुनाव में निजी स्वार्थ के लिए वो कांग्रेस पार्टी के कामकाज को दांव पर लगा रहे हैं और एडवोकेट जनरल ऑफ पंजाब के संवैधानिक कार्यालय का भी राजनीतिकरण कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री चन्नी ने AG देओल का इस्तीफा नामंजूर कर दिया, मगर देओल के आरोपों के जवाब में सिद्धू ने कहा, कानून अंधा हो सकता है, पंजाब की जनता नहीं। सोमवार को एक बार फिर वो हमलावर थे, मगर इस बार उनके निशाने पर एडवोकेट जनरल APS देओल कम और DGP IP सिंह सहोता ज्यादा थे। सिद्धू ने सवाल पूछा कि कोर्ट कचहरी में मामला इन्वेस्टिगेशन पर चलता है, अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, फैक्ट्स नहीं रहेंगे, तो कोर्ट क्या करेगी? This is nothing personal. This is about Punjab. This is about the hollowness of your promise. ਅਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਾਈ ਮੋਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਖੜਾ ਭਾਜੀ, ਔਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਠੀਕ ਦਿਓਗੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਠੀਕ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਮੇ ਇਨ ਸਾਰੇ ਬਵਾਲ ਕੀ ਜੜ ਮੇ ਹੈ ਕਿਆ? बतौर प्रदेश अध्यक्ष जिस नवजोत सिंह सिद्धू को अपनी सरकार को डिफेंड करना चाहिए, वो उसी पर हमलावर क्यों है? हालांकि सिद्धू का दावा है कि वो सरकार के अच्छे काम की तारीफ करते हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम में कटौती को मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपनी बड़ी उपलब्धि बताया, ऐतिहासिक बताया। पंजाब सरकार ने आज बड़ा फैसला लेके पेट्रोल दे रेट असी 10 रुपये घट कर रहे हैं, आज ही रात तो 10 रुपये, 5 रुपये डीजल दे रेट आज तो ही रात तो असी घट कर देंगे, जेड़ा के
पिछले 70 साल कदे मैं सुनिया नहीं कि इन्ना रेट भी कदे घटिया होवे या कदे इन्ना रेट बढ़िया। मगर सिद्धू ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी तारीफ करते करते ये सवाल उठा दिया कि आखिर ये कटौती कब तक सस्टेन करेगी। इतना ही नहीं, मीडिया ने जब पूछा कि चन्नी को सीएम बनवाने में उनका रोल था तो सिद्धू ने तत्काल करेक्ट किया कि इसमें उनका नहीं आला कमान का रोल था। कांग्रेस सरकार की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को क्यों उतारा गया, किस कारण उतारा गया, अब नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, उनको लाने में भी सबसे बड़ा हाथ आप ही का रहा। नहीं 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 नहीं, उनको लाने के लिए हाईकमांड का हाथ है। गलत बात मत बोल, बिल्कुल गलत कल ना कर, मैं कोई और बिल्कुल गलत कल ना कर, मैं अगला सवाल। जाहिर है नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव से पहले चन्नी से दूरी बना रहे हैं, चन्नी के फैसलों से दूरी बना रहे हैं। दरअसल चन्नी के सीएम की कुर्सी संभालने के बाद सिद्धू को अपना भविष्य फिर अधर में दिख रहा है। उन्हें लग रहा है कि अगर पार्टी पंजाब में जीत गई तो दलित चन्नी को हटाना मुश्किल है, इसलिए वो उन पर लगातार हमलावर है। सिद्धू और चन्नी के बीच सुलह सफाई के लिए नए कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने मीटिंग भी करवाई, मगर सवाल है कि क्या ये विवाद आसानी से हल हो जाएगा। आज हरीश चौधरी जी ने सीएम साहब नाल और नवजोत सिंह सिद्धू दे नाल ये पंजाब दे विच मसलियां दे उपर अलग अलग चर्चा भी कीती है और कट्ठी चर्चा भी कीती है और ये चर्चा हुई है और जल्दी जिहड़ा हल है और हरीश चौधरी जी कढ़न। ऑल इज़ वैली है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ इशू हैगे है और मैं उठान दा तरीका अलग अलग है। असी ये गल चाहते हैं कि कोई भी इशू होवे वो पार्टी प्लेटफार्म पे जिस तरह अज बैठ के अंदर गल कीती है इसे तरीके दे नाल गल होनी चाहिए है। जैसे जैसे पंजाब में चुनाव करीब आ रहे हैं कांग्रेस की मुश्किल भी बढ़ती जा रही है। इन तमाम परेशानियों की जड़ में हर बार सिद्धू का ही नाम आता है, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने की बात हो या फिर नए सीएम चन्नी के साथ मतभेद के मामले। पंजाब में प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद सिद्धू कांग्रेस के लिए मुसीबत ही बढ़ा रहे हैं। आलम यह है कि पंजाब में इन विवादों के बोझ से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के धाराशाही होने का खतरा पैदा हो गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।